गाइस रोड के उस साइड है बाबा फालूदा और आज हम लोग आए हैं ये बाबा फालूदा खाने के लिए और ये बहुत फेमस है मुंबई का और ये मीरा रोड का ब्रांच है। तो चलिए देखते हैं। बाबा फालूदा मीरा रोड का एड्रेस है टावर सी सिद्धि विनायक नगर महाजनवाड़ी मीरा रोड ईस्ट। बाबा फालूदा का मेन ब्रांच है मुंबई के माहिम एरिया में और ये एक बहुत पुराना फालूदा पार्लर है और उसका ही ब्रांच अभी मीरा रोड में भी खुला है। यहाँ पर फालूदा बहुत फेमस है, उसके साथ मिल्क शेक और आइसक्रीम भी मिलेगा आपको। यहाँ पर फालूदा में हर टाइप्स के फालूदा है, मिक्स आइसक्रीम फालूदा, काजू फालूदा, बटरस्कॉच फालूदा, ब्लैक करंट फालूदा, रॉयल फालूदा, चॉकलेट फालूदा, मैंगो फालूदा, मलाई फालूदा, जो आपको 80 से 200 रुपीज के अंदर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के फालूदा ट्राई कर सकते हो और यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, तो हर बार आप आओगे तो अलग अलग टेस्ट कर सकते हो। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रही हूँ, मैं हर बार इधर से जाती हूँ तो बहुत भीड़ रहता है, तो एक बार फर्स्ट टाइम तो आना बनता था, तो इसलिए फर्स्ट टाइम मैं ये फालूदा शॉप पर आई हूँ। हम लोग ने मंगाया है एक मैंगो फालूदा और एक बटर स्कॉच फालूदा। ये दोनों फालूदा में मैंगो फालूदा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये मैंगो फालूदा मैं आपको भी रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर है मैंगो आइसक्रीम मिल्क फालूदा और कुछ मैंगो के पल्स भी है, तो ये बहुत टेस्टी है। ये आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए अगर आप ये फालूदा शॉप विजिट करते हो तो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और मैं किचन में हूँ। अभी मैं आज बनाने जा रही हूँ तिल चटनी। तो तिल चटनी मैं कैसे बनाती हूँ तो चलिए देखते हैं। गैस ऑन कर दिया है, पैन लगा दिया है और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता रेडी करके रखा है। ये धनिया पत्ता धोके और यहाँ पर मैंने तिल को ऐसे धो के सुखा दिया है, छन्नी में रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी इधर से निकल जाए। लहसुन और मिर्ची थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि चटनी थोड़ा तीखा होगा तो अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन भी दिया है। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, तो अभी मैं सब ये मसाला और धनिया पत्ता को फ्राई कर रही हूँ। और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अभी मैं ये तिल को भी फ्राई कर रही हूँ वही पैन में है। और अभी तिल का फ्राई क्या हुआ, जो स्मेल आएगा तभी इसको मुझे निकालना है। अभी थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा है तिल का। देखिए तिल फ्राई हो चुका है और लहसुन मिर्ची और धनिया पत्ते को भी फ्राई कर लिया है। अब इसको मिक्सचर में डालना है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, अभी मैं इसमें सरसों का ऑयल डालूंगी थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल और स्वाद अनुसार नमक। अभी मैं इसको एक बार फिर से मिक्स कर दूंगी मिक्सर में। चटनी को मैं निकाल लेती हूँ। तिल और धनिया मिक्स, तिल चटनी, फ्राई किया हुआ तिल का स्मेल है इसमें, लहसुन का टेस्ट आएगा, मिर्ची है, धनिया पत्ता है, ऐसे चटनी से पूरा खाने में रुसी आ जाता है, बहुत टेस्टी होता है। रोटी राइस पराठा सब्जी सबके साथ ये चटनी खा सकते हैं। मैं तो दाल राइस के साथ ही ये चटनी खाती हूँ, तिल चटनी।
तिल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी रहता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है ये चटनी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।